नमस्कार जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सर्कल मराना में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों के लिए मैं एक और बहुत बड़ी वैकेंसी का अपडेट लेकर आया हूं जो कि निकाली गई है इंडियन नेवी की ओर से। जी हां दोस्तों, इंडियन नेवी की ओर से SSR और MR के काफ़ी सारे पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। 2019 का यह बैच है, तो आप सभी इस वैकेंसी के लिए जरूर अप्लाई कीजिए। बहुत ही ज़्यादा वैकेंसी इसमें निकाली गई, लगभग 2700 पदों पर SSR और MR के पदों पर भर्ती निकाली गई है। जान लेंगे इसकी पूरी जानकारी, इसके लिए जुड़े रहिएगा वीडियो के अंत तक ताकि आपको सही और संपूर्ण जानकारी मिल सके। साथ ही मैं आप लोगों को बता दूं कि इंडियन नेवी ने युवाओं के लिए यानी कि जो 10वीं और 12वीं पास उम्मीदवार हैं उनके लिए बंपर भर्ती निकाली है। अभी हाल ही में 10वीं और 12वीं का रिजल्ट घोषित हो चुका है, तो वे सभी उम्मीदवार इसमें पात्र होंगे। अब बात करते हैं कि आप फॉर्म किस प्रकार से अप्लाई कर पाएंगे। तो आप लोग जो फॉर्म भरने जाएंगे तो फॉर्म भरते सब आप लोगों को जो मार्कशीट का नंबर मांगा जाता है उसकी जगह पे आप अपना नामांकन नंबर भर के भी आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे, जो कि वहाँ मान्य किया जाएगा। उसके बाद आगे बात करें कि इस बार ऐसा क्या हुआ है खास, तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि इस बार 2700 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। इस बार जो नोटिफिकेशन आया है वो मार्कशीट आने से पहले ही नोटिफिकेशन आ गया, तो बहुत ही अच्छी सौगात है आप लोगों के लिए कि 12वीं पास करिए और 10वीं पास करिए और सीधी भर्ती हो जाए। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप लोगों को बता दें कि इसके लिए शैक्षणिक योग्यता यानी कि इन जो क्वालिफिकेशन होती है वो क्या मांगी गई है। तो 10वीं 12वीं पास कोई भी उम्मीदवार है तो इसके लिए आसानी से अप्लाई कर सकता है। वहीं पर यदि 10वीं के बाद आप लोगों ने पॉलिटेक्निक किया है तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। बात करें पदों की तो टोटल 2700 पदों पर वैकेंसीज निकाली गई है, जिसमें 500 वैकेंसीज हैं डबल की यानी आर्टिफर अप्रेंटिस की, और SSR की हैं आपकी 2200 जगह। तो टोटल मिलाकर 2700 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। प्रकाशन की तिथि है आज की डेट यानी कि 14 मई को इसका जो नोटिफिकेशन है वो रिलीज करा गया है 14 जून को, और अप्लाई करने की लास्ट डेट है 10 जुलाई को। तो आप लोग इसके लिए अपनी अपनी योग्यता के अनुसार अप्लाई जरूर कीजिएगा। एज लिमिट की बात करें तो 1 फरवरी 2000 से लेकर 31 जनवरी 2003 के बीच में यदि आपका जन्म है तो आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। आप लोग इसके ऊपर नीचे अप्लाई नहीं कर सकते, तो आप लोग अपनी एज का क्राइटेरिया जरूर चेक कर लें क्योंकि एज बहुत ही ज़्यादा इसमें देखी जाती है। आगे बात करें आप लोगों का इसमें सिलेक्शन किस आधार पर होने वाला है, तो इस बार आप लोगों का कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। पहले ऑफलाइन होते थे, अब इसके लिए ऑनलाइन कर दिए गए हैं। कंप्यूटर बेस्ड अप्लाई ऑन फॉर्म जो आपका एग्जाम होगा उसके बाद आप लोगों का फिजिकल टेस्ट कराया जाएगा। फिजिकल में आपका PFT होने के बाद आप लोगों का मेडिकल कराया जाएगा, और उसके बाद ही आप लोगों की जो फाइनल मेरिट टेस्ट है वो डाल के आप लोगों की ज्वाइनिंग करा दी जाएगी। आगे बात करें सैलरी आपको कितनी मिलने वाली है, तो सैलरी जो भी नियमानुसार रहता है फोर्स के हिसाब से वही आपको सैलरी इसमें मिलने वाली है। वहीं बात करें अप्लाई कैसे कर सकते हैं, तो joinindiannavy.com के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके इसके लिए रजिस्ट्रेशन कीजिए पहले और अप्लाई कर सकते हैं। बात करें फीस कितनी कटेगी, तो सन्नर और सामान्य और OBC उम्मीदवारों के लिए 205 रुपये, वहीं पर अन्य सभी कैटेगरी और महिला उम्मीदवारों के लिए कोई भी फीस यहाँ पर नहीं लगने वाली है। वहीं पर बात करें इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन की, तो जैसे ही हम नोटिफिकेशन के लिंक को क्लिक करेंगे जो कि आपको हम डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा देंगे, तो नोटिफिकेशन के लिंक को जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपका जो नोटिफिकेशन है कुछ इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ज्वाइन इंडियन नेवी का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो ओपन हो चुका है। यहाँ पर आप लोगों को सभी जानकारी मिल जाएंगी कि आपकी एलिजिबिलिटी क्या है, आप लोगों को कितनी जो पेमेंट्स वगैरह मिलेंगी वो आपको कितनी मिलेगी। यहाँ पर आपको दिखा रखा है 2100 से लेकर 69100 रुपये तक की आपको सैलरी मिलने वाली है। सिलेक्शन क्राइटेरिया की रिटन फिजिकल और मेडिकल बेस्ड एग्जाम होगा आपका। वहीं पर आप लोगों का जो कंप्यूटर एग्जाम है वो आपका CBT यानी कि ऑनलाइन होगा, इस बार ऑफलाइन नहीं होगा। बात करें माइनस मार्किंग की, तो यहाँ पे माइनस मार्किंग है आपकी 0.25 यानी कि 1/4 यानी कि एक प्रश्न आप सही करते हैं और 4 गलत करते हैं तो आपको 0 मार्क्स मिलेगा। वहीं पे बात करें मेडिकल स्टैंडर्ड, तो इसमें काफ़ी अच्छा मेडिकल स्टैंडर्ड्स मांगा जाता है। ट्रेनिंग जो कि जो भी जानकारी सब इसमें दी हुई है आप इसको देख सकते हैं। फोटोग्राफ आपको ब्लू बैकग्राउंड का लगाया जाएगा, ब्लू बैकग्राउंड का फोटोग्राफी मान्य होगा। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को एक चीज़ और बता दें, इसे अप्लाई करने के लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा, जो कि ऑफिशियल वेबसाइट है www.joinindiannavy.gov.in। यहाँ पर जाके आप इसके लिए ऑनलाइन ही अप्लाई कर सकते हैं, ऑफलाइन को भी आप लोगों को मोड नहीं रखा गया है। दोस्तों यदि पूरी जानकारी यदि आपको फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप हमें कमेंट का माध्यम से अवश्य पूछ लें। इसके लिए आप लोगों को ऑफलाइन भी डॉक्यूमेंट्स नहीं भेजना, टोटल ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद पेमेंट काट दीजिए, उसका प्रिंटआउट अपने पास रख लीजिए, फॉर्म सबमिट हो जाएगा। इसके बाद आप लोगों को अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं ताकि हम आपके परेशान का समाधान कर सकें। और आपसे गुजारिश होगी कि आप चैनल बनाया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें।